चुनाव को लेकर भाजपा का डर अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मिलने वाली कड़ी टक्कर से भाजपा की अब घिघी बंद गई है और ये साफ दिख रहा है। बेचारी ये नहीं समझ पा रही कि अब आगे करें तो क्या करें, और जब कुछ भी नहीं सूझा तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबियों के घर छापेमारी ही शुरू कर दी। इसी कड़ी में इस आस में कि शायद कुछ मिल जाए, कोई नया मुद्दा मिल जाए जिसके बल पर जनता को बरगलाया जा सके। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आईटी ने अलग अलग शहरों में रेड मारी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच लखनऊ सहित कई शहरों में आयकर की छापेमारी हुई है, जो कि अभी भी जारी है। फिलहाल ताजा अपडेट के मुताबिक हम आपको बता दें कि लखनऊ, आगरा, मैनपुरी और मऊ सहित अन्य राज्यों में आईटी विभाग ने छापेमारी की है, जो कि भाजपा ने प्रायोजित किया है। मैनपुरी के सपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव के घर छापेमारी जारी है। मऊ में एसपी नेता राजीव राय और लखनऊ में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। गजेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ओसीडी रहे हैं। जाहिर है कि इन लोगों को निशाने पर लेने के पीछे भाजपा के पास राजनीतिक कारण भी है। जिस तरह से सपा उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों के साथ बैठकर उन्हें खुद के साथ जोड़ रही है, उनके साथ गठबंधन कर रही है, इससे सपा को काफी मजबूती मिल रही है और आने वाले चुनाव में उसे काफी फायदा भी होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा बार बार मुश्किलों में घिरती जा रही है। कभी अजय मिश्रा ट्रेनिंग का मुद्दा उठ जा रहा है, तो कभी भाजपा के किसी नेता की वीडियो। पहले से ही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, ऊपर से अजय मिश्रा ट्रेनिंग के बर्खास्तगी की मांग। भाजपा पर विपक्ष का दबाव भी है और कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक एजेंडा भी सेट है। ब्राह्मण तुष्टिकरण को लेकर के भाजपा प्राथमिकता बनाई हुई है, और ऐसे में भाजपा ने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो भाजपा की तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। जनता को भ्रष्टाचार के नाम पर एक बार फिर बरगला लिया जाएगा और एक बार फिर भाजपा राजगद्दी पर कायम हो जाएगी। इसीलिए भाजपा सरकार ने मनोज यादव और राजीव यादव के घर छापेमारी की है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये भाजपा सरकार का चुनावी स्टंट है। राजनीतिक बदले की भावना से आईटी विभाग के अधिकारियों को सपा को बदनाम करने का काम कराया जा रहा है। जहां जहां आयकर विभाग के अफसर छापे मार रहे हैं, वहां पर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। जी हां दोस्तों, भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। एक भय का माहौल बना दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके और ना ही कोई बाहर आ सके। राजीव राय के घर पर आयकर विभाग के छापेमारी की खबर के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। आप देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो किस तरह से पुलिस विभाग को तैनात कर दिया जाता है, प्रशासन को तैनात कर दिया जाता है, किस तरह से फोर्सेस लगा दी जाती हैं ताकि लोग अपनी अभिव्यक्ति ना कर सकें, भाजपा के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन ना कर सकें। बता दें कि गजेंद्र सिंह लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के ओसीडी रहे हैं। गजेंद्र सिंह के घर पर आईटी विभाग ने रेड की है और वहां पर सर्च ऑपरेशन की जा रही है। इसके साथ ही कुछ फाइनेंसरों के ठिकाने पर भी आईटी विभाग के रेड की खबर आ रही है। आयकर विभाग की टीम ने सुबह 7 बजे राजीव राय पर छापा मारा और उनके घर में उन्हें ही नजरबंद कर दिया। राजीव राय मऊ के शहादतपुर में रहते हैं, और दूसरी तरफ आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एसपी पहले से ही आरोप लगा चुकी है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को दबाव बनाने के लिए आईटी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं राज्य में चुनाव के पहले एसपी नेता राजीव के घर पर आयकर के छापे के बाद एसपी इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहेगी। वहीं अन्य सियासी दल भी इसको लेकर के एसपी के साथ खड़े हो सकते हैं।
सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि यह भाजपा सरकार का चुनावी हाल ही अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय विवादों में घिर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराए जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के पहले उन्होंने एसपी नेताओं के साथ इसका उद्घाटन कर दिया था। मऊ जिले में भी एसपी राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव राय ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तो वहीं गाजीपुर जिले में 16 के होने वाली अखिलेश यादव की जनसभा को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसका विरोध जताते हुए राजीव राय और उनके साथ ही एसपी नेताओं ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। राजीव राय समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं, वह मीडिया के सामने पार्टी की राय को रखते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, ये जाहिर तौर से उनके साथ एक सोची समझी साजिश है। राजनीतिक बदले की भावना से आईटी विभाग के अधिकारियों को सपा नेताओं को बदनाम करने के लिए रेड कराया जा रहा है। उन्होंने इस राजनीति विद्वेष से कराई गई कार्रवाई को गलत बताया। आयकर विभाग की कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मैं लोगों की सहायता करता हूं। ये बात सरकार को पसंद नहीं आती, ये उसी का परिणाम है। यदि आप लोग कुछ भी करेंगे तो आपका एक वीडियो बनाएंगे और आप पर FIR दर्ज कर देंगे, आपको बेवजह मुकदमा लड़ना पड़ेगा। राजीव राय के आवास पर हुई कार्रवाई पर लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष धीरज राजभर ने कहा कि आज सुबह अचानक किसी विभाग के लोग आए हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि क्या कार्रवाई चल रही है, अंदर से दरवाजा बंद है। वहीं मैनपुरी के मनोज यादव अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, वो RCNL ग्रुप के मालिक हैं। शहर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला बंशी गोहरा निवासी मनोज यादव के घर पर 12 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे आयकर अधिकारी उनके पूरे घर को सुरक्षा बलों से घिरवा दिया है, किसी को भी घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आयकर विभाग के अधिकारी घर पर 2 घंटे से अधिक समय से पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले जैनेन्द्र यादव उर्फ नीतू सहित कई घरों की छानबीन भी चल रही है। जैनेन्द्र के घर पर लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास स्थित है, जो वहां पर भी फिलहाल जो है वो आईटी की रेड चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की टीमों ने उनके घर पर छापेमारी भी करवाई। जैनेन्द्र यादव उर्फ नीतू पिछले 12 साल से अखिलेश यादव के बेहद करीबी व्यक्ति रहे हैं, परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं, परछाई की तरह रहे हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वो OCD रहे थे। तो वहीं अब इस मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमारी की कार्रवाई पर ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के पहले ये सब कुछ जानबूझकर कराया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है, इस सरकार ने जनता को परेशान किया है, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी का खात्मा करके रहेगी। वहीं राजीव यादव के आवास पर हुई कार्रवाई को लेकर के काफी गहमा गहमी भी है। सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मामला सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। इस मामले को लेकर के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा किस कदर अपने हार के डर से इस कदर डर चुकी है कि वो आईटी का इस्तेमाल कर रही है, लोगों के घर छापेमारी करवा रही है और एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अन्य पार्टी गलत है, भ्रष्ट है। वो जनता के सामने झूठ परोस कर असल मुद्दों से भटकाना चाहती है और खुद को भ्रष्टाचार मुक्त दिखाते हुए बाकियों को भ्रष्टाचार लिप्त दिखाना चाहती है। जनता को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही भाजपा अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है चुनाव जीतने में, लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा कि भाजपा का ये काम जो भाजपा ने किया है, जिस रणनीति के साथ वो काम कर रही है और जो कुछ उसने सपा नेताओं के साथ किया है, वो उसके लिए कितना फलदायी होगा, कितना कारगर होगा, ये आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को बखूबी बता देगी। लेकिन उस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही द नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।